तो आज हमारे सामने है टोयोटा की तरफ से ऑफर होने वाला द बीस्ट। मतलब रियलिटी में ये इस टाइम पे द बीस्ट लग रहा है, मतलब कितना ही ह्यूज साइजेस का कर दिया गया है। और हाइलक्स ऐसा हो सकता था मैंने कभी सोचा नहीं था, मतलब ये एक इंप्रेसिव ट्रक बन चुका है, ऑफ रोडर ट्रक। आप जैसे कहते हैं ना, जैसे फॉरेन कंट्री में बड़े बड़े ह्यूज ऑफ रोडर ट्रक चलते हैं, पिकअप ट्रक चलते हैं, बिल्कुल वैसी इसके अंदर फीलिंग आ रही है। मतलब एक नॉर्मल इंसान इसके सामने तो कुछ लगेगा ही नहीं। अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो ह्यूज साइज इसके अंदर हमें अलॉय व्हील मिल जाते हैं, फ्यूल के अलॉय व्हील मिलते हैं, मतलब सबसे वन ऑफ द कॉस्टली अलॉय व्हील इसके अंदर डले हुए हैं इस टाइम पे। साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो इसके अंदर प्रॉपर स्टेपर्स दे रखे हैं आपको आयरन फिनिश के अंदर, प्रॉपर आयरन, और उसके अंदर आपको मिल जाता है इसके अंदर ह्यूज सा जो ORVM है, कितना ही वो बाहर निकला हुआ है रियलिटी में। मतलब क्या सोच के इसके अंदर इन्होंने जो मॉडिफिकेशन कर रखी है इस टाइम पे। क्लाइडिंग आपको इतनी ऊंची मिलती है, व्हील साइज इतना ज़्यादा बड़ा मिलता है, कार इतनी ज़्यादा अपलिफ्टेड है, और जो प्रेजेंस इसकी दिख रही है ना, मतलब इन्होंने जो इसको खड़ा किया है पत्थरों के ऊपर, वो ज़्यादा ही इंप्रेसिव कर देता है इसे, इसके डिज़ाइन को। अगर मैं बात करूँ तो स्नॉर्कल भी इसके अंदर लगा हुआ है, तो मतलब ये अंडर वाटर तक पूरी जा सकती है कार। अगर मैं इसके अंदर फ्रंट लुक चेकआउट करूँ तो वही आपको LED हेडलैम्प्स इसके अंदर मिल जाते हैं सेम, और आयरन इसके अंदर बम्पर लगा है, बेंच लगी हुई है प्रॉपर। कार कहीं फंस जाएगी तो पहली बात तो फंसेगी नहीं, और अगर फंस जाए या किसी और को खींचना हो तो आराम से खींच देगी। प्रॉपर एक्सट्रीम ऑफ रोडर कॉन्सेप्ट इसके अंदर जो टोयोटा है उसने निकाला है, आपको दिखाया है इस टाइम पे ऑटो एक्सपो में। प्रॉपर इसके अंदर LED हेडलैम्प्स जो इसके थे, उसके साथ साथ इन्होंने इसके अंदर नाइट हॉक की जो इसके अंदर LED लगा रखी है एक्स्ट्रा, वो मतलब इतनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी जब ये जलेगी कि सामने आपको पूरी रोशनी कर देगी। ऊपर भी इसके अंदर एक्स्ट्रा लाइट्स लगा रखी हैं एज इट इज़। अगर आप देखें, काफ़ी अलग ही न्यू कॉन्सेप्ट है जो इसके अंदर ऑफर करा गया है टोयोटा की तरफ से। हाइलक्स की इसके अंदर बैजिंग मिल जाती है। तो ये कुछ था इसका फ्रंट लुक। रेयर लुक एक बार चेकआउट करते हैं इसका। तो अगर मैं रेयर लुक की बात करूँ तो सेम एज इट इज़ रेयर लुक वही मिलता है जो हमें नॉर्मल हाइलक्स में मिलता है, बट इसके अंदर जो ऊपर की तरफ इन्होंने इसके अंदर टायर लोडिंग कैपेसिटी दिखा रखी है कि यस, कि अपने जैसे दो टायर पीछे लोड करके चल सकती है आराम से। अगर मैं नीचे बात करूं तो इसके अंदर हमें हाइलक्स की बैजिंग प्रॉपर इन्होंने कर रखी है, एक्सट्रीम ऑफ रोडर कॉन्सेप्ट वाला, और टोइंग हुक लगा रखा है, मतलब इतनी कैपेबल है कि ये कुछ टो भी अपने पीछे कर सकती है। और रियलिटी में द ह्यूमंगस लुक इसके अंदर आ रहा है, जो इससे ज़्यादा हाई कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता ऑफ रोडर ट्रक सेगमेंट में जो इस टाइम पे ऑफर कर रखा है टोयोटा ने। और काफ़ी एक इंप्रेसिव लुक इसके अंदर ऑफर हो रखा है। अगर आप देखें तो सामने कितना ही ह्यूज वो ट्रक है जो सामने अगर आपको दिख रहा हो, कि कितना इंप्रेसिव इसके अंदर हमें डिज़ाइन लैंग्वेज मिल जाती है। तो ये था इसका डिटेल वॉक अराउंड कि क्या इसके अंदर हमें फीचर्स मिल जाते हैं, क्या इसके अंदर हमें स्पेसिफिकेशंस ऑफर कर दी गई हैं। एक नया कॉन्सेप्ट है, एक्सट्रीम ऑफ रोडर कॉन्सेप्ट जो टोयोटा की तरफ से निकाला गया है। मतलब ये एक्सट्रीम है, इससे ज़्यादा मॉडिफिकेशन हो भी नहीं सकती इस हाइलक्स के अंदर, और एक काफ़ी अच्छा लुक इसके अंदर हमें मिल जाता है कार के अंदर कंपनी की तरफ से। तो इसके बाद वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए।